नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। आज दोस्तों इस वीडियो में अपन जनवरी महीने की जो सैलरी प्रोसेस करना है उसके बारे में अपन इसमें सीखेंगे कि जनवरी महीने की सैलरी आप कैसे प्रोसेस करें और क्या क्या आपको करना होगा। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो मैंने दोस्तों बताया था कि डिजिटल डोंगल सिग्नेचर जो करने हैं आपको, वो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और इसने पे मैनेजर ने इसको आगे पोस्टपोन कर दिया है, जिसकी डेट जो दी गई दोस्तों वो दी गई है आपको अप्रैल महीने की सैलरी के अंदर। तो अप्रैल महीने से पहले पहले आपको, ये नहीं है कि अप्रैल महीने में ही आप करेंगे, उससे पहले पहले इस काम को कर लें ताकि आपको समय पे कोई किसी प्रकार की दुविधा का सामना न करना पड़े और समय पे आप कार्य कर सकें। तो इसके लिए आपको दोस्तों, एक तो डिजिटल डोंगल में पहले पहले आपको बता दूँ कि 10/2 से पहले पहले आपको एम्प्लॉय लॉगिन से आपको इसका लॉगिन करा के और वहाँ से डाटा वेरीफाई करवा लेना है। और पहला जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, फैच कैसे करेंगे डाटा, SAP पोर्टल से इसको जोड़ दिया गया है पे मैनेजर को, तो वो कैसे फैच किया जाएगा उसके बारे में ऊपर आई बटन पे मैंने वीडियो क्लिक कर दिया, वहाँ से देखें। तो सबसे पहले आपको जनवरी महीने की प्रक्रिया है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों बिल प्रोसेसिंग पे जाके बिल प्रोसेस कर लेना है। तो बिल एलोकेशन में आप जाते हैं, जैसा कि आपको पता है यहाँ आने के बाद, तो दोस्तों बिल एलोकेशन में रेगुलर की तरह आपको बिल एलोकेशन करना है। बिल एलोकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर जो है, अगर आप सभी बिल एक साथ बनाना चाह रहे हैं तो ऑटो करें, और अगर आप एक एक बिल अलग अलग आपको प्रोसेस करना है तो मैनुअल करें। ऑटो करने के बाद जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पर आपको सैलरी के अंदर क्लिक करना है। सैलरी बिल बना रहे हो आप, सैलरी बनाने के आप करने के बाद सब टाइप में आपको रेगुलर करना है, और ऑब्जेक्ट हेड जैसे कि आपको बताए दोस्तों इसका 01 होता है, तो इसको 01 करें। उसके बाद में जनवरी महीना, डेट और बिल नंबर, और बिल नंबर यहाँ जैसा लास्ट आपका बिल नंबर रिकॉर्डेड है, उसके बाद में इसको आप यहाँ से कर दें जनरेट। और जैसे ही आप जनरेट करेंगे, तो जनरेट करने के बाद में आपका साइड के अंदर एक विंडो के अंदर बिल इस प्रकार से जनरेट हो जाएंगे, और नीचे इसको फिर आप इस बिल को देखते हुए सबमिट कर दें। तो दोस्तों ये बिल आपके सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं, इसको आप ओके करें। ओके करने के बाद आपको बिल प्रोसेस करना है, मंथली बिल प्रोसेस। तो उससे पहले आपको दोस्तों दिसंबर माह की सैलरी के अंदर आपने हितकारी निधि जो काटी थी वो, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उसको हटाना है। और हितकारी निधि हटाने के लिए आपका दो प्रोसेस है। नंबर एक, तो बिल प्रोसेस में जाएंगे, सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे, एम्प्लॉय पे डिटेल पे जाएंगे। एम्प्लॉय पे डिटेल पे जाने के बाद में जनवरी महीने को आप सेलेक्ट करते हुए और उस ग्रुप को सेलेक्ट करते हुए, और यहाँ एम्प्लॉय आपको साइड में दिखाई देंगे, इस एम्प्लॉय पे आप क्लिक करें। और जैसे एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, साइड के अंदर आपको यहाँ पर इस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल दिखाई देगी, और यहाँ नीचे दोस्तों हितकारी निधि आपको दिखाई देगी। हितकारी निधि के अंदर जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इसे आप डिलीट कर सकते हो। और अब आप मान लिया जाए कि 2-4 एम्प्लॉय हैं इस ग्रुप के अंदर, तो आप कर सकते हो आसानी से। मान लिया जाए इस ग्रुप में 1000 एम्प्लॉय हो, 500 एम्प्लॉय हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक साथ डिलीट करने का मैं आपको तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले आपको बिल प्रोसेसिंग के अंदर जाइए, और बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में बिल प्रिपरेशन में जाइए। बिल प्रिपरेशन में जाने के बाद यहाँ जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बल्क डिडक्शन का, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। बल्क डिडक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ सबसे पहले आपको बिल नेम के अंदर जिस बिल का आप करना चाह रहे हो उस बिल को आप सेलेक्ट कर लें, और जैसे ये सेलेक्ट हो जाए उसके बाद में आपको नीचे ये दिखाई देगा यहाँ पर डिडक्शंस। तो डिडक्शन के अंदर आपको सामने या तो उस डिडक्शन को सेलेक्ट कर लें, हितकारी निधि को, या फिर जितने भी इस ग्रुप के अंदर डिडक्शन है वो सारे के सारे आपके सामने नीचे आ जाएंगे। यहाँ आपके साइड के अंदर सेलेक्ट एम्प्लॉय आ जाएंगे सारे, और यहाँ पर आपका जितने इस ग्रुप के अंदर डिडक्शन हो रहे हैं सारे के सारे डिडक्शन आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। अब दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सभी एम्प्लॉय का अगर आप कोई डिडक्शन हटाना चाह रहे हो, ये सभी के लिए बता रहा हूँ, सभी डिडक्शन के लिए, तो जैसे कि हमें हितकारी निधि सभी का हटाना है क्योंकि सभी का ऐड किया था, इसलिए हम सभी को ऊपर ये सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो यह आपके सामने ये सारे जो है सेलेक्ट हो जाएंगे आपके सामने। और यहाँ सेलेक्ट होने के बाद में आपको जो हितकारी निधि के सामने जाना है, और हितकारी निधि के सामने आपको जो डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही डिलीट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आर यू वांट टू श्योर डिलीट डिडक्शन, तो हम श्योर हैं इसलिए ओके कर देते हैं। और जैसे ही हम ओके कर देंगे दोस्तों, तो हितकारी निधि का ऑप्शन डिलीट सक्सेसफुली हो गया, और ये सभी एक साथ, सभी ग्रुप के एक साथ यहाँ से हितकारी निधि हट गया, जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है। अब एक बार आप चेक भी कर लें, तो बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, बिल प्रोसेसिंग पे जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में, और सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद एम्प्लॉय पे डिटेल में आपको जाना होता है। यहाँ आप मंथ सेलेक्ट कर लें,
मंथ सेलेक्ट करने के बाद ईयर सेलेक्ट करना होता है आपको, और ईयर सेलेक्ट करने के बाद में आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना होता है जिस ग्रुप के आपको डिडक्शन देखना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय पे क्लिक करके देख लेते हैं, आपको दो एम्प्लॉय पे क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें जो आपके सामने है हितकारी निधि नहीं दिखाई दे रही, यानी कि वो ग्रुप से हट गई है। पहला एम्प्लॉय अगर अपन देखें तो मैंने पहले एम्प्लॉय पे करके दिखाया था, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर चेंज हो गया है और यहाँ पर भी ये हट गई है। तो इस प्रकार पूरे ग्रुप के एक साथ आप हितकारी निधि इस प्रकार से आप हटा सकते हो। अब यहाँ से हटाने के बाद में आपको और कुछ अगर ऐड डिडक्शन करना है, मान लिया जाए इनकम टैक्स से संबंधित आपको किसी प्रकार का बदलाव करना है, वैसे तो दिसंबर माह में लगभग डीडीओ ने कर दिया है, फिर भी अगर आप किसी प्रकार का बदलाव करना चाहता है तो यहाँ से एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके आप कर सकते हो। अगर किसी का इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं कट रहा है तो यहाँ ऐड अलाउंस ऐड डिडक्शन का ऑप्शन है, इस पर आप जाके ITR जो है उसको आप कर सकते हो, ITR 202, तो ये आप कर सकते हो। अब उसके बाद में आपको प्रोसेस करना है, तो बिल प्रोसेस कीजिए। तो सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग में गए, सैलरी प्रिपरेशन में गए, मंथली सैलरी प्रोसेस। मंथली सैलरी प्रोसेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ मंथ सेलेक्ट कीजिए, ईयर सेलेक्ट कीजिए, ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ग्रुप दिखाई दे जाएगा। अब इसमें जिस ग्रुप का आप करना चाह रहे हो, जैसे हम दोनों ग्रुप का करना चाह रहे हैं, तो दोनों ग्रुप पहले एक ग्रुप को सेलेक्ट करें, ऊपर चेकबॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। चेकबॉक्स से क्लिक करने के बाद दोबारा इस ग्रुप के सामने आपको राइट का क्लिक करना है। अब साइड में आपको एम्प्लॉय यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इन सभी एम्प्लॉय में से किस किस एम्प्लॉय का आप जनवरी मंथ की सैलरी प्रोसेस कर रहे हो, उनका आप चेक राइट का सिंबल लगा दीजिए। और राइट का सिंबल लगाने के बाद आपको यहाँ नीचे जो प्रोसेस बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसेस बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुली हो चुका है, इस पर ओके बटन दबा दीजिए। अब यहाँ से दोस्तों, अब आप DDO फॉरवर्ड कर दीजिए। जैसे कि नीचे फॉरवर्ड टू DDO आ रहा है, तो फॉरवर्ड टू DDO आप ऑप्शन में जाके और यहाँ से आप DDO फॉरवर्ड करना होता है। DDO फॉरवर्ड करने के बाद आप सैलरी को एक बार चेक कर लें। तो जैसे ही आप सैलरी ऑप्शन में जाए, इन सभी ऑप्शन को यथासंभव आप जैसा ये मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर लें। और चेक करने के ग्रुप आ गया, इसमें आप यहाँ पर साइड में क्लिक करें और क्लिक करने के बाद फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड कर दें। जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे, ये फॉरवर्ड सक्सेसफुली आपका हो चुका है, इसको ओके कर दें। और यहाँ ओके करने के बाद आपको रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट जाने के बाद जैसे ही आप रिपोर्ट में जाएंगे, थोड़ा मैं पूरा दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो इसमें आप ऑल सैलरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से दोस्तों इसमें बिल सिलेक्ट कर लेना है, और बिल सिलेक्ट करने के बाद में आप इनर रिपोर्ट को यहाँ से देख लीजिए, तसल्ली बख्श, ये इनर रिपोर्ट है। इनर रिपोर्ट के बाद आप यहाँ पर दोस्तों शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगी रिपोर्ट, और इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इस रिपोर्ट को तसल्ली बख्शा अच्छी तरह से देख लें। इसमें कहीं पर भी हितकारी निधि या अन्य डिडक्शन जो आपने किया है, वो सारा का सारा डिडक्शन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको देखते हुए आप पूरी रिपोर्ट को और आप फिर इस बिल को पूरे को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। ट्रेजरी फॉरवर्ड करने का तरीका आपके सामने यह है, ये ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें और फिर आप इस बिल को प्रिंट निकाल लें और इसकी दो कॉपी आप बना लें, एक अपने ऑफिस के अंदर और एक आप ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। तो इस प्रकार से पूरा बिल का प्रोसेस ये होगा दोस्तों जनवरी मंथ का। और जल्द ही मैं अगले महीने का जो सैलरी बिल बनाऊंगा डिजिटल डोंगल से प्रोसेस करने वाला हूं, तो उसका वीडियो आपको जल्द मिलेगा। और अभी तक आपने हितकारी निधि की ECS रिपोर्ट नहीं भेजी है, इलेक्ट्रॉनिक कैश रिपोर्ट जो आपने निदेशालय नहीं भेजी है, तो आप जल्दी से भेज दें। और उसका वीडियो मैंने पहले ECS रिपोर्ट का बना दिया है, हमारे चैनल पर अपलोड है, इसको देख लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें।